कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू हरदोई के संडीला तिलोया में किसान जनजागरण अभियान में पहुंचे। यहां उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि सरकार में आम आदमी से लेकर सभी वर्ग परेशान है, किसान हताश निराश हैं और किसानों के लिए सरकार को किसान आयोग का गठन करना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आज किसान दुखी है, आत्महत्या कर रहा है, सरकार की नीति को ठेस नहीं है। आवारा पशुओं के आतंक से किसानों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिन में गेहूं का समर्थन मूल्य 3200 रुपए सरकार करे, कांग्रेस लगातार संघर्षरत है, इसी को लेकर 3 मार्च को जिला मुख्यालय का घेराव करेगी। अगर इसके बाद भी सरकार नहीं जागी और किसानों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया तो समाधान नहीं किया गया तो 17 मार्च को विधानसभा सीएम कार्यालय का घेराव किया जाएगा। हरदोई से संवाददाता शाहिद अली की रिपोर्ट। किसान जनजागरण अभियान के अंतर्गत कांग्रेस पार्टी का एक अभियान चल रहा है जो 40 दिनों का अभियान है, जिसके अंतर्गत आज मैं इस ग्राम सभा में आया था। किसान दुखी है, आत्महत्या कर रहा है प्रदेश का किसान, सरकार की कोई ठोस नीति नहीं, आवारा पशुओं ने जीना मुहाल किया। मैं अभी श्री राजकुमार जी से और शमशेर मंदिर से मिला, उन्होंने अपनी दास्ता बताई कि किस तरह आवारा पशुओं के आतंक से पूरी तरह वो हताश और निराश है, उनके पूरी खेती को बर्बाद करने का काम, बंदरों के आतंक से पूरे फसल को नष्ट करने का काम निश्चित रूप से आवारा पशुओं के नाते हो रहा है। हमारी सरकार से मांग है किसान आयोग का गठन करे, आवारा पशुओं से निजात दिलाने की समुचित व्यवस्था करे और जो किसान अपने खेतों में रात रात भर खेतों का पहरा दे रहे हैं उनके लिए ये सरकार भत्ता की व्यवस्था सुनिश्चित करे। साथ ही साथ हमारी ये भी मांग है कि आने वाले दिन में जो गेहूं होने वाला है, गेहूं का समर्थन मूल्य सरकार 3200 रुपया तय करे। कांग्रेस पार्टी इन तमाम और विषयों को लेकर लगातार संघर्षरत है और इस परिप्रेक्ष्य में 3 मार्च को तहसील दिवस को घेरेगी, 6 मार्च को जिला मुख्यालय को घेरने का काम करेगी। अगर उसके बाद भी सरकार कुंभकर्णी नीति से नहीं जागी और किसानों की इन जो समस्याएं हैं उस पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया, उसका समाधान नहीं किया, तो 17 मार्च को विधानसभा और मुख्यमंत्री के कार्यालय को भी घेरने का काम किया जाएगा। सरकार ने एलपीजी गैस के दामों में रिकॉर्ड वृद्धि की है, 150 रुपये बढ़ाए हैं, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या रिएक्शन है? आज हम लोगों ने विधानसभा के सामने प्रदर्शन किया है और निश्चित रूप से महंगाई चरम सीमा पर है, गरीब आम आदमी मध्यम वर्गीय परिवार पूरी तरह हताश निराश है और निश्चित रूप से जो सरकार ने महंगाई को कम करने की बात की थी, झूठ के राजा जो देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने वादा किया था कि हम महंगाई कम करेंगे, गरीबों के जीवन में रोशनी लाएंगे, निश्चित रूप से गरीबों के जेबों में ढांका डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।